नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। देखिए, इन्फोसिस लिमिटेड बेसिकली एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर मैं हमेशा आपको एक एक अपडेट शेयर करता रहता हूँ कि अगर अच्छे कंपनी अगर आपको डिस्काउंट में और सस्ते दामों में मिले तो ये एक बिग बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। क्योंकि ये बात हमेशा आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर के माध्यम से भी सुनने को मिलेगा। वॉरेन बफेट जी, उन्होंने हमेशा कहा कि वो उन्होंने हमेशा एक पिरामिडिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी पिरामिड स्ट्रेटजीज के हिसाब से उन्होंने इन्वेस्ट करते हैं। तो पिरामिड स्ट्रेटजीज मतलब क्या है? पिरामिडिंग स्ट्रेटजी इसीलिए है कि उनका कहना है कि जब इस तरीके से पिरामिड को आप कैलकुलेट करना, जब आपका शेयर कुछ इस लेवल में रहेगा तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जब धीरे धीरे करके शेयर ऊपर चले जाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए, जब फिर से वो गिरकर अगर नीचे आए तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना चाहिए। तो उनको उनका कहना है कि इस पिरामिडिंग स्ट्रेटजीज के हिसाब से ही उन्होंने काम करके इतना बड़ा मतलब रिटर्न जनरेट किया। तो कहने का मतलब है कि हमेशा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जिस स्ट्रेटजीज को फॉलो करके काम किया है उस स्ट्रेटजीज को आपको सीख कर काम करना होगा। तो बेसिकली इन्फोसिस के ऊपर मुझे जो ट्रेड मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट इस बार खराब हुआ वो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ, क्योंकि शेयर में करेक्शन होने के पीछे यही एक रीज़न है, क्योंकि सेल्स कम हुआ क्वार्टर के बेसिस में। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट, देखिए नेट प्रॉफिट तो ज़्यादा हुआ मगर ये ज़्यादा कहाँ से हुआ वो चीज़ों को भी समझ लीजिए। आपको लग रहा है कि नेट प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, एक्चुअली नेट प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ। अगर मैं प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कम है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कहाँ से बढ़े? कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़े एक्चुअली कंपनी के जो प्रॉफिट है वो 6,000 करोड़ से 7,900 करोड़ तक बने। मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ वो केवल देखा जाए तो 2,700 करोड़ आधा से इनकम से आया, एक्स्ट्रा इनकम कंपनी को आया, तो जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव दिखा। बाकी देखिए कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करें तो कंपनी के ऊपर मुझे एक बड़ा एंट्री लेवल मिला, वो कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली मैंने एक एंट्री भी यहाँ पे लिया और उसके बाद रिटेस्ट भी किया। जब रिटेस्ट किया तब एंट्री लिया, उसके बाद देखिए कंपनी और भी करेक्शन हो गया, मतलब एक गिरावट दिखा दिया। तो मेरे एंट्री लेवल से अगर मेरे एंट्री लेवल से मैं अगर करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास करेक्शन है। कोई बात नहीं, अच्छी कंपनी अगर 15 से 20% तक गिरे तो मैं जरूर कुछ क्वांटिटी एडिंग करूँगा। तो मुझे जो सेकेंड ट्रेड मिला इस कंपनी के ऊपर जो अलग स्ट्रेटजीज के ऊपर वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए इन्फोसिस के ऊपर जब करेक्शन हो रहा था तब 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए, तो जब 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया तब कुछ रेंज कुछ इस लेवल में बना और RSI भी उस टाइम 30 के नीचे आया, तो इस जगह पे एक एंटी बना और RSI जब 70 को टच करेंगे तब एग्जिट लूँगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ही RSI 70 तक जाएगा और अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट भी मिलने का चांसेस हो सकते हैं। तो देखिए हमेशा हर चीज़ को रूल्स के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से स्ट्रेटजीज के ऊपर मैंने पहले भी एक ट्रेड लिया था जो मुझे 15% का रिटर्न मिला वो भी 50 दिनों में। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी RSI 30 के नीचे आया था और यहाँ पे भी 200 डेज के नीचे इस कैंडल बना, तो अब यहाँ पे इस लेवल में एंट्री बना और RSI जब 70 के ऊपर टच किए तब मैंने एग्जिट किया इस लेवल के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेटजीज बहुत बार मैं काम किया हूँ, पहले भी इस तरीके से काम किया हूँ, आप देख सकते हैं 88 डेज में 14% के आसपास रिटर्न दिया। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ सारे चीज़ों को आपको सीख कर काम करना होगा, तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, सारे चीज़ों को आप सीखिए, सारी चीज़ों को आप सीखिए और उसके बाद काम करिए। तो इन्फोसिस के ऊपर आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड, जिसको हम लोग एमसुमी नाम से जानते हैं। तो बेसिकली एमसुमी जो है वो देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी बनते चले जा रहा है, क्योंकि एमसुमी जो है वो मदारसन संवर्धन मदारसन इंटरनेशनल कंपनी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी था, उसको डीमार्ज किया गया, उसको अलग करके लिस्टिंग किया गया। और मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड बेसिकली एक अच्छा खासा कंपनी इसलिए है क्योंकि इस कंपनी के पास 40% मार्केट शेयर वायरिंग सेगमेंट में इसी के पास है, मतलब मार्केट शेयर लेकर अच्छा खासा चल रहा है वो भी 40% के आसपास। तो बेसिकली कंपनी इसके ऊपर जो ROC एंड ROE दोनों है दोनों ही मार्केट कैप करीबन 43-40% के आसपास है, मतलब बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस है। हाँ, कर्जा भी एकदम ना के बराबर है और इनकम भी अच्छा खासा है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। और मज़ेदार बात यही है कि प्रोमोटर के एक भी पैसा प्लेजिंग नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का रिजल्ट,
लोग आशा करके बैठे हुए हैं कि इसका रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है। तो सेल्स का आंकड़े के बारे में बात करें तो कंपनी 7,000 करोड़ से 7,900 करोड़ तक इस बार सेल्स दिखाने वाले हैं। तो सेल्स अच्छा खासा आने के कारण एक्सपेंस भी कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 480 करोड़ से 580 करोड़ तक देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट मतलब 100 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इतने शानदार कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है जिसके चलते कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने क्या क्या एक ट्रेड लिया था वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना, पहले देखिए कब बना, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ। तो काफ़ी हैंडल बटन बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। अभी देखिए रिटेस्ट करने के बाद जब मैंने एंट्री लिया बहुत टाइम यहाँ पे मुझे इंतजार करा। तो मुझे लगता है इस टारगेट पाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और 27% टारगेट भी कोई कम नहीं है। अगर 1 साल में 1 ईयर में मिला तो भी मुझे मुझे लगता है एक पॉजिटिव टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, जो मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड का ही पेरेंट कंपनी है। तो बेसिकली संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो इंडिया के एक पॉपुलर ऑटो इंसिलरीज कंपनी है, अगर इस कंपनी को बाकी सारे कंपनी से कंपेयर करूँ तो इसका मार्केट कैप और बाकी कंपनीज का मार्केट कैप के हिसाब से बॉस जो है उसके मार्केट कैप 88,000 करोड़ है और संवर्धन मदरसन का 85,000 करोड़। मतलब हमेशा टक्कर चलता रहता है दोनों कंपनी में। और समर्थन मदरसन का एक सबसे पॉजिटिव मुझे पॉइंट लगा, सेल्स का ग्रोथ भी बहुत तगड़ा है, उसके साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है, 15% के ऊपर है, मतलब अच्छा खासा माना जाएगा। और उसी हिसाब से अगर देखा जाए कंपनी के ऊपर कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी देखिए कर्जा कितना ज़्यादा था, पहले कितना था वो मैं एक बार आपके साथ शेयर करूँ तो आप देखेंगे। तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा था वो अगर मैं एक बार क्विक व्यू आपको दिखा देता हूँ आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ROC है वो ठीक ठाक है, सेम पहले भी जितना था आज भी उतना ही है, और ROE ठीक ठाक है, ROC भी थोड़ा सा बढ़ चुके हैं, अच्छी बात है। और डेप देखिए पहले ज़्यादा था, 0.82% के आसपास था, वो इस बार डेट थोड़ा सा कम हुआ, मतलब कंपनी कर्जे को कम कर रहे हैं। हाँ नेट प्रॉफिट मार्जिन उतना खास नहीं है क्योंकि ऑटो इंसिलरीज इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, फिर भी इस कंपटीशन को झेल कर भी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया, तो जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा उसका झलक आपको मैं दिखा देता हूँ। कंपनी के ऊपर अच्छा खासा सेल्स इस बार ग्रोथ देखने को मिलेगा, 78,000 से 94,000 करोड़ तक देखने को मिले। एक्सपेंस भी अच्छा खासा देखने को मिला, 72,000 से 85,000 के आसपास। और बेसिकली कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,600 करोड़ से 2,200 करोड़ तक बना, मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिला है। और इसी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से कंपनी इसके ऊपर एक ही बात कहूँगा, कंपनी इसके ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस भी अपकमिंग टाइम्स में मिल सकता है। देखिए इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं होता कि वो रॉकेट की तरह भागेगा, कभी कभी कुछ साल भी लग सकते हैं एक ही रेंज में कंपनी के ऊपर काम करने में। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर एज ए बैलेंस शीट के हिसाब से बात करूँ तो बोरिंग्स तो बढ़ता हुआ देखने को मिले, इस बार कंपनी का हाइस्ट बोरिंग्स देखने को मिले, उसी तरीके से कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा लिया क्या वो कर्जे को मिटा सकते हैं, बिल्कुल मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व सेम टू सेम है, उसके साथ साथ फिक्स एसेट भी सेम टू सेम है, तो बहुत ज़्यादा पैसा है, उस पैसे से कंपनी बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इस बार हाइस्ट पैसा लगाया, कंपनी ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में कुछ बिजनेस के ऊपर पैसा लगाया करीबन 2,200 करोड़ के आसपास, जो पिछले सालों की तुलना से कंपनी के इस बार जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल है। तो एक सारे पॉइंट्स को सामने रखते हुए मैं एक ही बात कहूँगा कि इस कंपनी के ऊपर मेरा जो ट्रेड है, मेरा जो मतलब व्यू है, उसके व्यू के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो टारगेट है वो बेसिकली एक देखिए कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर क्रिएट किया, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट किया, और देखिए कितना शानदार तरीके से कंपनी टारगेट को अचीव किया। देखिए मैं हमेशा आपको यही बोलते आया हूँ कि अगर कंपनी के मतलब बिजनेस के बारे में आपको सही तरीके से पता है, कंपनी का परफॉर्मेंस अगर सही तरीके से आपको देखने को मिला है, तो वो कंपनी के ऊपर कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न वो बनाएंगे। अगर बना है तो उस कंपनी के ऊपर आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। तो मैंने देखिए जब एंट्री लिया तब तब से लेकर मैंने पेशेंस के साथ यहाँ पे बने रहा और मुझे टारगेट मिला अराउंड 239 दिनों में। देखिए 239 दिन मान लेता हूँ मैं अराउंड 8 मंथ, 8 to 9 मंथ, तो 9 मंथ में सॉरी 8 मंथ है, तो 8 मंथ में कंपनी कितना रिटर्न दिया, 36%, तो कोई कम तो नहीं है। तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरा कोई भी पेड वर्सन नहीं है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं हमेशा हर चीज़ों को आपको एडुकेशन पर्पज़ में शेयर करूँगा। आपका काम होगा
उस सारे पॉइंट्स को बैक टेस्टिंग करना, मतलब प्रीवियस डेटा को बैक टेस्टिंग करके देखना क्या सही में इस तरीके से पैटर्न्स में कोई काम बना था, क्या सही में इस तरीके से पैटर्न्स में कोई टारगेट मिला था, तो ही आप काम कर सकते हैं। तो पहले देखिए, सीखिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है वर्धमान पॉलिटिक्स लिमिटेड। तो वर्धमान पॉलिटिक्स लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, मगर कंपनी ने एक गुड अपडेट दिया, वह है स्प्लिट का। कंपनी 17 तारीख को आपको हर एक के बदले 10-10 स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।